नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। दिमाग से आपका प्रॉब्लम आना नसों में प्रेशर बनना, नसों का फूलना। हमारी ये दिमाग की नसें क्यों फूलती हैं? मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हमारी नसें जो हैं ये फूल जाती हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को चबा रहे हैं या खाना खा रहे हैं या हम कुछ सोच रहे होते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते हैं तो ये सिम्टम्स हमारे को आता है। तो ये सिम्टम्स जो आता है, ये आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है नसों का फूलना, आज मैं इसके लक्षण बताऊंगा आपको और इससे बचने के आपको उपाय भी बताऊंगा। क्या आपको इसमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है और कैसे आप अपने आप को इसमें अपने आप को कूल रख सकें। दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, लेकिन आपके सिम्टम्स ही आगे ना बढ़ें, क्योंकि और कोई सिम्टम्स आपके दिमाग में ना आए। तो ये सिम्टम्स जो आता है, इसमें अधिकांश लोग मेडिकल की दवाइयां खाते हैं और बहुत समय से खा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें चक्कर भी आता है। जिनकी दिमाग की नसें फूलती हैं उनको चक्कर भी आता है। वो कहते हैं कि जी ये देखो, यहाँ पे अब हम चबा रहे हैं, मेरे पास बैठे हुए बताते हैं वो कि हम खाना खा रहे हैं, देखो ये फूलने लगी है। तो नसें फूल जाती हैं, यहाँ से भी आपको दिखाई देगा और आपको सर में भी दिखा लगेगा कि कुछ फूल रहा है। और इसमें चक्कर बहुत तेज़ी के साथ आते हैं, किन्हीं को कम आते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स होगी वैसे वैसे सिम्टम्स इसमें बढ़ते हैं। जैसे कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं या आपको बीपी की समस्या है तो आपको परेशानी ज़्यादा आएगी। जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको तो बहुत प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम में, जिनकी नसें फूलती हैं। तो इसमें लक्षण क्या है ये मैं आपको बता दूं। आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं या आप माइंड पे प्रेशर डाल रहे हैं तो ये लक्षण आएंगे, नसों का फूलना। और इसमें जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे ही आपकी ये तीव्रता जो है इसमें नसों में प्रेशर जो है बढ़ता चला जाएगा और आपका जो ब्लड है वो तेज़ी के साथ दौड़ेगा और नसें जो हैं इसमें फूलना शुरू हो जाती हैं, प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। इसमें आपका ब्लॉकेज भी आ सकता है, ब्लड की कोई क्लोटिंग्स है, जैसे आपका क्लोट हो रहा है कुछ, कहीं पे आपका ब्लड जमा हुआ है और वहाँ पर ब्लॉकेज बनी हुई है तो भी नसें फूल सकती हैं। और यही इसमें होता है, अधिकांश लोगों की इसमें ब्लॉकेज ही होती है, ये इसके लक्षण हैं। और ये जब ब्लड पास नहीं होगा सही तरीके से तो आपकी नसें फूलेंगी। एक सीधी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहले टेंशन फ्री रहिए, खान पीन में सुधार ले आए, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले टेंशन से दूर रहना है। जो बीपी की गोली खाते हैं वो बीपी की गोली निरंतर लेते रहें, और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है शुगर की गोली कंटिन्यू खाते रहें और अपनी बीपी शुगर को चेक करें हर पांचवें या छठे दिन। जिनको ये प्रॉब्लम है 5 दिन में तो करना चाहिए चेक, अपने आप को इसमें देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमारा बीपी तो नहीं बढ़ रहा। तो इसमें खान पीन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खान पीन इसका जो है आपको कैसे अपने आप को बदलाव करना है। गरम मसाले बिल्कुल भूल जाओ, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना।
गरम मसाला और बाहर का कोई भी जंक फूड, मन करे घर पे बना लो लेकिन बाहर का कोई चीज़ नहीं खानी। कोई भी तेज गरम चीज़ जैसे कि लहसुन सब्जी में ना डालें, जिनको ये प्रॉब्लम है। अधिकांश लोग बाहर खा लेते हैं, लहसुन होता है उसमें और उनको पता नहीं चलता है, तो इसलिए बाहर की चीज़ें आपकी बिल्कुल बंद, कोई भी एक्सपायरी वाली चीज़ बिल्कुल बंद, यहाँ तक कि घर के मसाले भी आप बिना एक्सपायरी के रखें। कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए। जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे, गर्म चीज़ों से दूर रखेंगे और बाहर की चीज़ों से बचेंगे, उतना ही आप अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले मेरा जो भी मैं बोलता हूँ वीडियो में, परहेज पहले बोलता हूँ मैं। अपनी दवाई भी किसी को देता हूँ तो पहले उसको परहेज पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि अपना परहेज ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा परहेज करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे, आपके सिम्टम्स चेंज होंगे और आप जल्दी से रिकवर कर लेंगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एलोपैथिक में क्या होता है, बहुत कोई भी नहीं बताता है कि परहेज ये करें और लोग दवाइयां खाते रहते हैं। बहुत लोग होम्योपैथिक पे चले जाते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक में या एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथिक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनको दिल और दिमाग की प्रॉब्लम होती है। जिनको दिमाग की होती है उनको दिल की भी 80% प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिमाग और दिल जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। आप टेंशन लेंगे दिल पर आपके असर आएगा, तो यहाँ अपने आप को बचाना है। और गर्म चीज़, कोई भी गर्म चीज़, बहुत लोग अश्वगंधा रिष्ट कुछ भी ले लेते हैं और इन चीज़ों से आपको बचना है। कोई भी ऐसी बाज़ार से कोई भी चीज़ ऐसे लेके ना लें, ना खाएं कि हो सकता है वो गर्म है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो क्या करोगी, नस भी फट सकती है, अधिकांश नस फट जाती है इसमें। तो इसलिए अपने आप को कूल रखें, जितना आप कूल रखेंगे उतना आप अपने आप को जल्दी से रिकवर कर लेंगे। और इंग्लिश दवाओं का सेवन ना करें, उससे बचें, और होम्योपैथिक का सेवन बिल्कुल भी ना करें भूल कर भी। और अपना ठंडी रोटियां खाएं, ठंडी सब्जी खाएं, गरम चीज़ ना खाएं। मतलब कोई गरम चाय, मैं इतनी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत गरम तेज चाय पीनी चाहिए, नॉर्मल गरम चाय आप पी सकते हैं। और इसमें आपको जो है गरम भोजन बिल्कुल ना करें, इसमें ठंडा भोजन करें। जितना ठंडा भोजन करेंगे उतने आपके लिए अच्छा है। लहसुन और ये आपका जो गरम मसाला है इससे बिल्कुल दूर रहें, नॉनवेज से बिल्कुल दूर रहें, अंडा वगैरह बिल्कुल ना खाएं, चावल और खटाई, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज की बहुत ज़्यादा संभावना होती है जिनकी नसें फूलती हैं, तो चावल बिल्कुल नहीं खाना है, खटाई मना करते हैं हम, नहीं खानी है, इससे आपको बचना चाहिए। और जो हम इसमें दवाई देते हैं उसमें हम खटाई का हमारा परहेज होता है, चावल का भी परहेज होता है, और अंडा नॉनवेज से आप बचें। तो इसमें जो दवाई देते हैं हम, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, मेरठ में हमारा क्लिनिक है, और इसमें आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं और ऑनलाइन दवाई भी आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसकी वेबसाइट पर जाइए, आप पूरा सब डिटेल मिल जाएगी आपको, हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा प्रोफाइल में, व्हाट्सएप की जो DP होती है गोल, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। और इसमें हमारी दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो आप दवाई खाएंगे आपके सिम्टम्स बदलते चले जाएंगे और आप रिकवर अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं जो एलोपैथिक्स दवाई खाते हैं उसमें क्या होता है, सिम्टम्स ये ठीक होने के बजाय क्या होता है, बढ़ते चले जाते हैं और दो गोलियां बढ़ती चली जाती हैं। आपकी दवाई इसमें बढ़ेगी और आपके सिम्टम्स भी इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि एक सिम्टम्स ठीक होता नहीं है, दूसरा आ जाता है। तो यहाँ अपने आपको बचाना है और अपने परहेज पे रहें, खाने पीने का ध्यान दें,
खाने पीने में आप खाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आप सलाद खाइए, कोई भी ग्रीन सब्जी का सलाद खाइए और ग्रीन पेस्ट पीजिए, 8-10 पत्तियों ग्रीन सब्जियों का पेस्ट बना लें आप, उसमें पुदीना या हरा धनिया तो ज़रूर होना चाहिए, पत्ता गोभी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कीड़ा होता है, उसको मैं साफ मना करता हूँ हर वीडियो में। 8-10 पत्ते आप 10-10 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम टमाटर के पत्ते ले लीजिए, ऊपर से तोड़ लीजिए, टमाटर के ऊपर रहते हैं, इजीली कहीं पर भी आप किसी दुकान से तोड़ेंगे मना नहीं करेगा, और उसको आप घर पे ले आएं और अपना सुबह मॉर्निंग में ड्रायर पर ड्रायर कर लें या सिल बट्टे पर पीस लें, और ये आपका अगर आधा गिलास भी पेस्ट बन जाता है, जितना मात्रा में बने उतना ही मात्रा में आपको तेज़ गर्म पानी डालना है और उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, और ऐसे ही आपको नीट पी जाना है, और 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना, जितना गर्म भी होगे उबलता हुआ पानी डालना है आपको, मान लो आधा गिलास बनाए तो आधा गिलास उबलता हुआ पानी डाल दो और 1 बार शेक करो बस, उसके बाद आप पी लीजिए गर्म गर्म, बहुत लाभ देगा, सुबह शाम पी सकते हैं, सुबह खाली पेट, शाम को 5 बजे 8 बजे भोजन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बजे खाली पेट ही होता है, तो इसमें आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा, जिनको नसें फूलती हैं पूरी बॉडी को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तो ब्लड को पतला करेगा ये जो आप पियेंगे इसको, ग्रीन सब्जी का वो ग्रीन सब्जी वाला जो मैंने पत्तों का पेस्ट बताया है, 10-10 ग्राम पत्ते लेने आपको सब, टमाटर के ऊपर के जो आप तोड़ेंगे वो 5 ग्राम भी मिल गए बहुत है, और आपका बहुत अच्छा इसमें आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपकी प्रॉब्लम्स भी इसमें आगे बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी, और आपकी परेशानी कम हो जाएगी, आपको दिक्कत का जो आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, और इसमें आप दवाई खाएंगे आपके बहुत जल्दी आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसमें अपने आप को बचा सकें, क्योंकि इसमें आपको जो बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो आपको बहुत ध्यान देना है अपना, बीपी की गोली निरंतर खाते रहें, देसी घी का प्रयोग ना करें, बिल्कुल अपने आप को जितना आप परहेज पर लेके चलेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होते चले जाएंगे, और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया, देश में ही नहीं विदेशों में भी, हमारे घरेलू इलाज आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।